दोस्तों आईपीएल 2025 के प्लेयर रिटेंशन के ऊपर फाइनल अपडेट आ चुका है, जहां पे बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के प्लेयर रिटेंशन का ऑफिशियल रूल बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आईपीएल 2025 में फाइनली सभी टीमें मैक्सिमम कितने प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में रिटेन कर पाएगी, आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होगा या फिर नहीं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग आईपीएल 2025 के रिटेंशन प्रोसेस का सीधा लाइव प्रसारण अपने मोबाइल में लाइव देखना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप लोग उसे ओपन करके फटाफट से हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर ले और वहां पे हम आपको आईपीएल के प्लेयर रिटेंशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन देंगे। तो बिना किसी देरी के टेलीग्राम पे फॉलो कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आईपीएल 2025 के रिटेंशन प्रोसेस से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहले अपडेट आ रहा था कि सभी टीमें अपने अपने स्क्वाड में मैक्सिमम 4 प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी और ऑक्शन में 2 प्लेयर के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर पाएगी, लेकिन अभी इस रूल को चेंज कर दिया गया और बीसीसीआई ने बताया है कि आईपीएल 2025 के प्लेयर रिटेंशन में सभी टीमें अपने अपने स्क्वाड में मैक्सिमम 5 प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी, यानी कि आईपीएल की सभी 10 टीमें अपने अपने स्क्वाड में मैक्सिमम 5-5 प्लेयर्स को ही रिटेन कर सकती है। और आरटीएम कार्ड के बारे में बात करें तो आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल इस बार के मेगा ऑक्शन में नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के सभी टीमों को रिटेंशन रूल बता दिया गया, जहां पे सभी टीमें 5 प्लेयर को रिटेन करेगी और ऑक्शन में आरटीएम कार्ड का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये था आईपीएल 2025 के प्लेयर रिटेंशन का नया रूल। अब बात करते हैं कि सभी टीमें अपने अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर का लिस्ट किस तारीख को सबमिट करेगी। तो रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले महीने यानी कि अक्टूबर में या अक्टूबर के अंत तक सभी टीमें अपने अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर का लिस्ट सबमिट कर देगी और आईपीएल के प्लेयर रिटेंशन का सीधा लाइव प्रसारण टेलीविजन में स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पे किया जाएगा और मोबाइल फोन में जियो सिनेमा एप्लीकेशन पे प्लेयर रिटेंशन का सीधा लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आईपीएल 2025 का रिटेंशन प्रोसेस आप लोगों को अक्टूबर में देखने को मिलेगा, जहां पे सभी टीमें 5-5 प्लेयर को रिटेन करेगी। तो लगभग सभी 10 टीमें अपने स्क्वाड में 50 प्लेयर्स को रिटेन करने वाली है। और ऑक्शन के बारे में बात करें तो ऑक्शन आपको मिड नवंबर में देखने को मिलेगा, यानी कि 15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच कभी भी मेगा ऑक्शन का आयोजन हो सकता है। तो यह था आईपीएल 2025 के रिटेंशन प्रोसेस से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।